मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है भारत के द्वीप समूह। हम लगभग भारत के सभी महत्वपूर्ण द्वीप समूहों को एक साथ देखने वाले हैं, राइट। ये सारे द्वीप समूह आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इनके बारे में डिस्कशन करने से पहले आप पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझिए कि आखिर हम द्वीप किसे कहते हैं। आपने सुना होगा कि भारत सहित विश्व में कितने भारत, या बेसिकली भारत को क्या कहते हैं, भारत का ज्योग्राफिकल नाम है भारतीय उपमहाद्वीप। क्या कहते हैं बेटा इसको, भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो भारतीय उपमहाद्वीप एशिया महाद्वीप के का हिस्सा है। एशिया महाद्वीप में भारत किस तरह है, तो भारत एशिया के दक्षिण में है। कहाँ पर है, एशिया के दक्षिण में है। द्वीप किसे कहते हैं, ठीक है, द्वीप किसे कहेंगे, तो द्वीप इसे ऐसी लैंड बॉडी यानी ऐसा भू स्थल जो चारों तरफ किससे घिरा हो, जल राशि से घिरा हो, इसे कहते हैं क्या बेटा, द्वीप, ठीक है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, हमने बताया था आपको प्रायद्वीप किसे कहते हैं बेटा। प्रायद्वीप के को समझने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि तीन तरफ क्या हो बेटा, तीन तरफ जल हो और एक तरफ क्या हो, ये थल, ये देखिए थल है पूरा, तो इसे कहते हैं प्रायद्वीप। भारत को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब क्या हो गया, देखिए हम अगर एक रफ डायग्राम ड्रॉ करें भारत का अपने, तो देखिए भारत को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि द्वीप होने की कंडीशन क्या है, अगर भारत के चारों तरफ पानी होता तो भारत क्या कह देते हम, द्वीप कह देते, ठीक है, या भारतीय महाद्वीप भी कह सकते थे, भारत का स्थल बड़ा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया को कह देते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया को एक कॉन्टिनेंट मानते हैं ना, भारत को कोई सेपरेट करता होता, सपोज भारत के इधर पर अरब सागर ही अरब सागर और आगे तक जाता और अरब सागर यहाँ से बंगाल की खाड़ी से मिल जाता और इस सबको साथ में क्या कहते हैं, हिंद महासागर कह देते, तो भारत क्या बन जाता, एक क्या बन जाता, द्वीप बन जाता है ना। लेकिन अभी क्या है, भारत द्वीप की कंडीशन को सेटिस्फाई तो नहीं करता, लेकिन भारत को कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। क्यों कह देते हैं, तीन तरफ से जल ने दूसरी लैंड बॉडी से यानी दूसरे भू स्थल से भारत को जोड़ के नहीं रखा, बल्कि भारत उससे दूर है। मतलब एक दूसरा कोई देश या कोई दूसरा भूभाग अलग है भारत से, किससे अलग है, जल से, जल उसको अलग करता है। यही काम बेटा यहाँ पर कौन करता है, हिमालय पर्वत उसे रेस्ट ऑफ एशिया से अलग करता है। तो जो काम जल यहाँ कर रहा है वही काम हिमालय ऊपर कर रहा है, तो भारत को क्या कह देते हैं, उप महाद्वीप, ठीक, क्लियर है आपको, राइट। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो भारत को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, देखिए यहाँ पर अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी वाला जल और ये कंबाइनली क्या कहते हैं, हिंद महासागर। मतलब ये तीनों तरफ से भारत पानी से या जल से किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे भूभाग से अलग हो रहा है। अगर चारों तरफ से होते तो हम इसे द्वीप कह देते या महाद्वीप कह देते, लेकिन हम इसे भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यही काम यहाँ पर हिमालय पर्वत कर रहा है। हिमालय पर्वत के कारण भारत रेस्ट ऑफ एशिया से अलग हो जाता है। जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, स्थलाकृति पर प्रभाव पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों पर रोल प्ले कर रहा है कौन, हिमालय पर्वत। तो इसलिए भारत को भारतीय महाद्वीप ना कह करके भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीप कहते हैं जब ये चारों तरफ से किससे घिरा होता, जल से, यानी कि पानी से घिरा होता, तो हम इसको क्या कहते थे, भारतीय महाद्वीप, ठीक। लेकिन अभी क्या कहते हैं, भारतीय उप महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, तीन तरफ से जल से है और चौथा जो साइड है यानी कि जो नॉर्थ साइड है वहां पर हिमालय पर्वत भी कुछ इसी तरह की चीजें कर रहा है। हिमालय पर्वत के कारण भारत रेस्ट ऑफ एशिया से मानी बाकी जो एशिया भाग है उससे अलग है, और यही कारण कि भारत की जलवायु अलग है, यहाँ पे रहन सहन अलग है, यहाँ पर सभ्यता अलग है, बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा है हिमालय मात्र के होने से, ठीक है, समझ रहे हैं।
बहुत सारे इन्वेडर्स भारत में इजीली नहीं आ पाए क्योंकि हिमालय पर्वत था, बहुत सारे घुसपैठिए भारत नहीं आ पाए क्योंकि हिमालय पर्वत था, नहीं तो भारत की संस्कृति, साहित्य, कला सब अलग टाइप का होता, हो सकता है चीन जैसा होता, हो सकता है मंगोलियों जैसे होता, हो सकता है जापानीज जैसे होता, हो सकता है रशिया आ जाता, USSR आ जाता, बहुत कुछ हो सकता था। ठीक, तो अब ये समझो, तो ये होता है बेटा द्वीप। अगर बड़ा भूभाग है, बड़ी जलराशि से अलग है तो कहते हैं, उसे कहते हैं महासागर। बड़ी जलराशि क्या कहते हैं? महासागर। और बड़े भूभाग को कहते हैं महाद्वीप। मेरी बात समझ में आई? अगर बड़ी जलराशि है तो उसे कहेंगे महासागर, बड़ा भूभाग है तो महाद्वीप। क्या कहेंगे? महाद्वीप। ठीक है, बड़ा भूभाग है तो महाद्वीप, बड़ी जलराशि है तो महासागर। ठीक, क्लियर है आपको? तो ये हो गया द्वीप और चारों तरफ है सागर। जैसे अरब महासागर नहीं कहते, क्या कहते हैं? अरब सागर कहते हैं। बंगाल की खाड़ी वाला पानी कहते हैं, लेकिन कहते हैं किसको महासागर? हिंद महासागर। ठीक, समझ में आया आपको? तो ये तो बेसिक था कि आखिर द्वीप, महाद्वीप, सागर, महासागर किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत का नाम है भारतीय उप महाद्वीप। क्या कहते बेटा? भारतीय उप महाद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इनकी स्थिति वर्तमान देखें तो भारत के पश्चिमी भाग में अरब सागर तथा पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी स्थित है। पश्चिमी भाग में क्या स्थित है बेटा? अरब सागर। और पूर्व में क्या स्थित है? बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर अनेक द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी, समझो मतलब क्या हुआ? पश्चिमी तट पर क्या है बेटा? अरब सागर। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? ये जो भाग है भारत का, ठीक है, यहाँ पर जो जलराशि है इसे क्या कहते हैं हम लोग? अरब सागर। क्या कहते हैं? अरब सागर। और ये जो जलराशि है यहाँ पे, जो इसे क्या कहते हैं हम लोग? बंगाल की खाड़ी। ये खाड़ी है ना, बताया था मैंने आपको खाड़ी किसे कहते हैं? तीन तरफ थल और बीच में है जल, क्या कहते हैं? खाड़ी। तो ये खाड़ी है, तो यहाँ वाले जल राशि को कहते हैं हम लोग अरब सागर। क्या कहते हैं? ये अरब सागर हो गया। और ये वाला क्या है बेटा? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और इसे कहते हैं अरेबियन सी या अरब सागर। ठीक है, बे ऑफ बंगाल और अरब सागर, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक, समझ रहे हो बात को? तो यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। तो सबसे बड़ा प्रश्न आता है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? वो है अंडमान और निकोबार। ठीक है, आने वाले क्लासेस में मैं इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर ये सब कुछ है क्या। अगला देखो, छोटा द्वीप है गंगा सागर। कहते हैं ना सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार बताऊंगा गंगा सागर में कौन सी नदी आगे गिरती है। हुगली। कौन सी आती है बेटा? हुगली। समझाऊंगा हुगली का क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखिए न्यूमर द्वीप, श्रीहरिकोटा, मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कौन सी झील है यहाँ पर? पुलिकट झील। ठीक है, कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा द्वीप, पुलिकट झील, श्रीहरिकोटा द्वीप। फिर उसके बाद देखिए न्यूमर द्वीप है। न्यूमर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, ये द्वीप, इस द्वीप पर अधिकार को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद होता रहता है। जब विवाद होता है तो ये वापस से डूब जाता है। ठीक है, मतलब ये नदी पर मिलने वाला द्वीप है, कभी निकलता है, जब ये दिखने लगता है पानी कम होता है तो लड़ाई चालू हो जाती है, और जैसे ही पानी अधिक होता है तो ये वापस से क्या हो जाता है? डूब जाता है, फिर शांत हो जाते हैं सब लोग। ठीक है, तो इसमें भी कुछ बंटवारा हो गया है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। उसके बाद हेयर द्वीप, उसके बाद रामेश्वरम, उसके बाद पंबन। समझेंगे इनको, इनकी स्थिति को समझेंगे, ये सारे आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सारे कहाँ बेटा? ये सारे बंगाल की खाड़ी वाले हैं। कहाँ के हैं? बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप समूह हैं। सबसे बड़ा द्वीप समूह हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे एग्ज़ाम में, तो बहुत डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे। एक पूरा मैप मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, जिस मैप में इससे संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले समझिए इसको, अच्छे से समझने से पहले, कि आखिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कहानी है क्या। देखिए, मैं जब आपको हिमालय पढ़ा रहा था तो मैंने समझाया था कि हिमालय का जो विस्तार होता है वो तीन भागों में होता है। पहला वृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक। और मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय है वो भारत में, ठीक है, हिमालय की अगर कहानी हम पढ़ें तो अगर हिमालय को देखेंगे भारत में, तो समझो बात को ध्यान से,
समझे। अगर हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि हिमालय का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से नंगा पर्वत से नामचा पर्वत, कहाँ तक? नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक है। फिर नामचा पर्वत के बाद ये मुड़ता है और यहाँ पर पटकाई भूम, फिर नागा हिल्स, फिर मिजोरम पहाड़ी, फिर मणिपुरी पहाड़ी, फिर मिजोरम पहाड़ी, ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट होता है। जो म्यांमार में भाग आता है उसका क्या नाम होता है? अराकान योमा। क्या नाम होता है? अराकान योमा। उसके बाद बेटा पानी में सम्मर्ज हो जाता है, पानी में सम्मर्ज हो जाता है मतलब पानी में डूब जाता है, और जब वापस से ये निकलता है तो कहलाता है बेटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। याद रखिएगा, ये अंडमान हो गया, फिर ये आ गया 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल, बताऊँगा मैं आपको। 10 डिग्री चैनल आता है और 10 डिग्री चैनल से ये भाग हो जाता है, नीचे वाला कहते हैं निकोबार। क्या कहते हैं? निकोबार। तो ये आपका हो गया अंडमान, ये हो गया निकोबार। निकोबार का सबसे दक्षिणी भाग, सबसे दक्षिणी पॉइंट, जो पहले इंदिरा पॉइंट के नाम जाना जाता था, किससे जाना जाता था? इंदिरा। 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, मतलब भारत की वास्तविक शुरुआत अगर हम प्रशासनिक शुरुआत की बात माने तो यहाँ से हो जाती है, लेकिन मुख्य भूमि से कहाँ शुरू होती है? 8 डिग्री 4 मिनट से। कहाँ से? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, ठीक है। इसे कहते हैं कन्याकुमारी। क्या कहते हैं? कन्याकुमारी, यानी कि केप कैमोरिन। केप मतलब दिस शेप, द शेप विच इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड द ओशियन, सीधे समुद्र की ओर निकला हुआ तिरछा भाग, भूभाग कहलाता है केप। क्या कहता है? केप। तो इसका नाम होता है केप कैमोरिन। क्या नाम बेटा? केप कैमोरिन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। याद रखिएगा, इसका नाम है केप कैमोरिन। केप का नाम है, केप मतलब शेप और जगह का नाम है कैमोरिन, तो केप कैमोरिन यानी कि कन्याकुमारी। ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी हिस्सा हो गया, भारत की प्रशासनिक भूमि का, यानी जहाँ से भारत का प्रशासन शुरू होता है। अंडमान निकोबार में भारत का प्रशासन है ना, अंडमान निकोबार में भारत का प्रशासन है ना, है ना। तो इसकी, भारत की शुरुआत 6 डिग्री 4 मिनट हो जाती है। किससे? 6 डिग्री 4 मिनट हो जाती है। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। यहाँ पाया जाता है इंदिरा कॉल। क्या पाया जाता है? इंदिरा कॉल, याद रखिएगा। ये इंदिरा कॉल है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक, याद रखिएगा। तो अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और इसको मैं जूम करूंगा अभी आपके लिए, जूम करके दिखाऊंगा कि इतने भाग में क्या क्या है। लेकिन उसके पहले कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ले लो अबाउट अंडमान निकोबार, राइट। देखिए, सबसे पहले अंडमान निकोबार के लिए क्या लिखा हुआ है? यह द्वीप समूह एक सक्रिय श्रृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण की ओर, कहाँ बेटा? उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ के विस्तृत है। यह 6 डिग्री 4 मिनट कहाँ शुरू हो रहा है बेटा? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू हो रहा है, ठीक है, और 13 डिग्री 34 मिनट अक्षांश के मध्य है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंत कहाँ है बेटा इनका? अंत है 13 डिग्री 34 मिनट। ये महत्वपूर्ण है बेटा आपके लिए, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया यह प्रश्न। आपको पता तो है कि निकोबार शुरू कहाँ से होता है, लेकिन ख़त्म कहाँ हो रहा है? 13 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ, ठीक, 13 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ। लगभग 7 डिग्री का एक्सपांसन है। कितना? कहाँ से? नीचे से ले लो ऊपर, या ऊपर से ले लो नीचे। लगभग 7 डिग्री का एक्सपांसन है किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 13 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इस द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल अधिक है, बड़ा है, है ना, 8,249 वर्ग किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार दो द्वीप समूहों से बना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अंडमान ऊपर वाला 10 डिग्री चैनल, उसके बाद निकोबार, ठीक है, अंडमान ऊपर वाला 10 डिग्री चैनल, उसके बाद क्या आएगा बेटा? निकोबार। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक। उसके बाद आके देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे अंडमान निकोबार में कोई नहीं रहता, ठीक, क्योंकि वो इतने विकसित नहीं है। 300 द्वीप समूह हैं। कितने बेटा? लगभग 300 से अधिक द्वीप समूह हैं, उनमें से केवल 36 ही आवासित है, मतलब 36 में ही लोग रहते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 36 out of 300+, 36 ही आवासित हैं,
300 से अधिक द्वीप समूह हैं, छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। अब उसमें इतनी सुविधा नहीं है कि उनमें रहो, लेकिन द्वीप तो है ही, क्योंकि पानी अलग अलग कर रहा है। उसमें से केवल 36 ही आवासित हैं। यह द्वीप समूह टर्शरी समुद्रिक वलित पर्वतों के समुद्र से उभरे हुए भाग हैं, यानी कि हिमालय का ही भाग माने जाते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि हिमालय क्या है बेटा, तो हिमालय एक नवीन वलित विवर्तनिक पर्वत है। बताया था ना मैंने आपको, हिमालय एक नवीन वलित विवर्तनिक पर्वत है, ये हमने पढ़ा था। ठीक, समझ रहे हो बात को? तो याद रखिएगा, इन द्वीप समूहों की श्रृंखला वास्तव में म्यांमार की अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का ही विस्तार है, जो आगे चल के सुमात्रा द्वीप से जुड़ी है। सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया नीचे। तो ये डूब गया पानी में वापस से, पहले यहाँ डूबा पानी में, फिर दिखा, फिर डूब गया, और जो निकला तो वो क्या कहलाया वहाँ जाके आगे? सुमात्रा। क्या कहलाया? सुमात्रा। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। आपसे आपसे एक क्वेश्चन अब पूछा जाता है कि अगर इधर से विस्तार करते हुए पहुँचे हैं तो अगला देश कौन सा मिलेगा? तो सुमात्रा, यानी कि इंडोनेशिया वाला पार्ट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंडमान द्वीप की सर्वोत्तम चोटी का नाम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडमान द्वीप की सर्वोत्तम चोटी का नाम क्या बेटा? सैंडल पीक। ठीक है, तो अंडमान की सैंडल बड़ी होती है, आप ऐसे याद कर लीजिए, अंडमान की सैंडल बहुत बड़ी है। और अंडमान की सैंडल कितनी है? 731 मीटर की सैंडल है उसके पास, अंडमान के पास कितने की? 731 मीटर की सैंडल है। जबकि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है बेटा? तो माउंट थुलियर। क्या नाम बेटा? माउंट थुलियर। दिखाऊंगा ये कहाँ पर है, आप कंपेयर करिए फिर लिखिएगा। कंपेयर करिए, 642 है माउंट थुलियर और सैंडल पीक कितनी है? 731। तो इन दोनों में ज़्यादा ऊंचा कौन सा हुआ? तो सैंडल ज़्यादा बड़ी हुई। किसकी सैंडल है? अंडमान की। अंडमान कहाँ आएगा? ऊपर। निकोबार कहाँ आएगा? नीचे। दोनों के बीच क्या होगा? 10 डिग्री चैनल। तो देखिए, पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल। ये क्या है इसकी बेटा? कैपिटल। पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में स्थित बैरन और नारकोंडम। जब मैं किसी के उत्तर की बात कर रहा हूँ तो ऊपर की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा? अभी सब दिखाऊंगा आपको। उत्तर में स्थित नारकोंडम द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है ना, बैरन और नारकोंडम द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। और मतलब द्वीप मतलब ये द्वीप है बने हैं। द्वीप कैसे बने होंगे? ज्वालामुखी ने अपना मलबा निकाला, वो मलबा पानी में जम गया, सख्त हो गया, द्वीप बन गया। तो दो द्वीप याद रख लेना, बैरन और नारकोंडम। कौन कौन से बेटा? बैरन और नारकोंडम द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। और भारत का एकमात्र सक्रिय द्वीप कौन सा बेटा? बैरन। क्वेश्चन पूछा जाएगा अंडमान निकोबार में, आप सब बता दोगे कि बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार। ये बात तो करेक्ट हो गई। ठीक है, कैसा द्वीप है बेटा? ये सक्रिय है, मतलब ये इससे थोड़ा थोड़ा मलबा निकलने की आशंका है, जिंदा है अभी, मरा नहीं है। ठीक, चलिए अब एक बात और। तो फिर ये बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में कहाँ है? तो आपसे लिखा हुआ है ये अंडमान में है। कहाँ है? लिखा है ना यहाँ पर, देखिए कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में। पहली बात तो देखो पोर्ट ब्लेयर, अब हम देखेंगे कैपिटल पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, अंडमान में है कि निकोबार में। वहीं से आंसर मिल जाएगा कि बैरन द्वीप कहाँ है, अंडमान में कि निकोबार में। एक तो ऑप्शन होगा अंडमान निकोबार, तो करेक्ट मार दोगे आप। लेकिन आपसे पूछ ले अंडमान निकोबार में कहाँ है, अंडमान में है कि निकोबार में, कि दोनों बीच में है, कहाँ है देखते हैं इसको। क्लियर हुआ? तो एक बार फिर से देख लीजिए, यह द्वीप समूह एक सक्रिय श्रृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तृत है। 6 डिग्री 4 मिनट से 13 डिग्री 34 मिनट के बीच इसका विस्तार है। इस द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल बेटा कितना है? 8249। ठीक है, 8249 वर्ग किलोमीटर। अंडमान निकोबार दो द्वीप समूह हैं, इन्हीं दो द्वीप समूह से मिलकर यह बना है। अंडमान के अंतर्गत उत्तरी तथा उत्तरी मध्य और दक्षिणी तीन द्वीप समूह शामिल हैं। अंडमान के अंतर्गत उत्तरी, अंडमान का उत्तरी क्या होगा बेटा? ये अंडमान का उत्तरी। अंडमान का मध्य क्या होगा? अंडमान का मध्य होगा। अंडमान का दक्षिणी क्या होगा? 10 डिग्री चैनल के पहले। ठीक, दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, उसके बाद इस द्वीप में 300 से अधिक द्वीप समूह हैं, जिसमें से 36 ही आवासित है। कितने बेटा? केवल 36 ही आवासित हैं। ठीक है, और यह द्वीप समूह
समुद्री वलित पर्वतों के उभरे हुए भाग हैं, यानी मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं हिमालय, हिमालय का म्यांमार में नाम हो जाता है अराकान योमा, तो इसे अराकान योमा का ही विस्तार माना जाता है जो नीचे सुमात्रा तक जाता है। कहाँ तक जाता है? सुमात्रा तक जाता है। इन श्रृंखला की वास्तव में म्यांमार के अराकान योमा का विस्तार है जो आगे चल के सुमात्रा द्वीप से जुड़ी हुई है। अंडमान द्वीप समूह की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम क्या बेटा? तो मैंने बताया अंडमान की सैंडल बहुत ऊंची है, कितनी है? 731 मीटर। उसके बाद एक और मिलती है इनके पास, क्या है वो है बेटा? माउंट थुलियर, कितनी है? 642 मीटर। पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान में है कि निकोबार में? अब इसका आंसर आपको नहीं पता, देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय द्वीप कौन सा बेटा? बैरन द्वीप, याद रखिएगा, जो कहाँ पाया जाता है? अंडमान और निकोबार में। लेकिन अंडमान में पाया जाता है कि निकोबार में पाया जाता है ये हमको अभी डिटेल नहीं पता। तो पहले हम अंडमान निकोबार को देखते हैं। यहाँ देखिए ये ध्यान से, ये पूरी कहानी है बेटा अंडमान निकोबार की, फिर मैं आपको एक साथ सबको समझाता हूँ, ठीक? राइट। राइट देखिए, हमने देखा अंडमान को कई भागों में बांटा गया है, राइट? तो सबसे पहले हम अंडमान के फोकस कर रहे हैं। किस पे फोकस कर रहे हैं? अंडमान पे फोकस कर रहे हैं। देखो ये है 10 डिग्री चैनल, ठीक है आपका 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री के ऊपर क्या होगा? अंडमान, 10 डिग्री नीचे क्या होगा? निकोबार। तो अंडमान का उत्तरी भाग, अंडमान का उत्तरी भाग जहाँ से अंडमान निकोबार तो भारत का हिस्सा है ना, अंडमान के ऊपर पाया जाता है कोको चैनल। कौन सा पाया जाता है? कोको चैनल। तो सबसे पहले चैनल का मतलब समझो, ये स्टार प्लस जी न्यूज़ नहीं है। चैनल का मतलब होता है जब एक भूभाग, देखो एक भूभाग, ये कोको आइलैंड है ना, ये म्यांमार का हिस्सा, किसका हिस्सा? ये म्यांमार का, म्यांमार जो कि 1935 के पहले क्या था? बर्मा। क्या था इसका नाम? क्या था? बर्मा, ठीक। देखो ये म्यांमार का हिस्सा माना जाता है, म्यांमार का हिस्सा माना जाता है कोको आइलैंड। उसके बाद है बेटा पानी, जल राशि, यानी कि इस द्वीप के बाद अंडमान आने से पहले जो पानी है उसे कहते हैं कोको चैनल। अगर दो भूभाग के बीच में, ध्यान से समझिएगा, अगर दो भूभाग के बीच में बड़ा पानी, मतलब बड़े अमाउंट का पानी है, दो भूभाग को दूर करने के बीच में, मतलब समझो एक भूभाग ये हो गया, एक भूभाग ये हो गया, ठीक है, एक ज़मीन का टुकड़ा ये हो गया, बीच में बहुत सारा पानी है, अगर बहुत सारा पानी है तो कहेंगे ग्रेट चैनल। क्या कहेंगे? ग्रेट चैनल। कम पानी है तो कहेंगे चैनल, और बहुत ही कम पानी है तो कहेंगे स्ट्रेट। क्या कहेंगे? स्ट्रेट। मतलब दो भूभाग अगर बहुत कम पानी से एक दूसरे से सेपरेट, यानी दो भूभाग के बीच में बहुत कम पानी है तो कहेंगे स्ट्रेट। क्या कहेंगे? स्ट्रेट, याद रखिएगा स्ट्रेट, ठीक है, यानी कि आप इसको हिंदी में लिख लो स्ट्रेट। अगर पानी ज़्यादा है, अगर पानी ज़्यादा है तो कहेंगे क्या बेटा? चैनल। क्या कहेंगे? चैनल। अगर पानी बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे? ग्रेट चैनल, ठीक, क्लियर है? स्ट्रेट, चैनल, ग्रेट चैनल, समझ में आ गया आपको? स्ट्रेट चैनल और ग्रेट चैनल। तो यहाँ पे बेटा कोको द्वीप है, ये कौन सा द्वीप है यहाँ पर ऊपर? कोको द्वीप है, और कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करता है कोको चैनल। ये कौन सा चैनल दिख रहा है आपको? ये है कोको चैनल। ये क्या है? कोको चैनल। ये है कोको द्वीप। ये कौन सा द्वीप है बेटा? कोको द्वीप। कोको द्वीप किसका हिस्सा माना जाता है? म्यांमार का, ठीक। वहां से दिख नहीं रहा क्या अच्छे से? दिख रहा है? कोको द्वीप किसका चैनल माना जाता है? म्यांमार, ठीक। ये हो गया उत्तरी अंडमान। अब उत्तरी अंडमान में यहाँ याद रखो, लघु अंडमान और कार निकोबार है। क्या बेटा? लघु अंडमान और कार निकोबार, याद रखिएगा। सबसे नीचे भाग, सबसे नीचा भाग क्या कहला रहा है इसका? लघु अंडमान। और निकोबार का सबसे प्रारंभिक भाग क्या कहला रहा है? कार निकोबार, याद रखिएगा। कि उसमें अंदर जा रहा हूँ मैं, अभी इसको अलग से फिर दिखाता हूँ तुमको।
उसके बाद देखना है जब हमारा इंडिया का इंदिरा पॉइंट आता है, उसके बाद इंडिया इंदिरा पॉइंट जब ख़त्म होता है तो अगला जो भूमि का टुकड़ा है वो कहाँ आएगा बेटा? सुमात्रा। और वो किसका हिस्सा है? इंडोनेशिया का। तो बहुत पानी है इनके बीच में, तो कहते हैं कौन सा चैनल? ग्रेट चैनल। ठीक, क्लियर है आपको? ये हो गया बेटा आपका ग्रेट चैनल। इस मैप पे मैं वापस से आऊँगा। तो आप बताओ मुझे पहले अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? ये लिखा है सामने, ये कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। कौन सा? जो अलग किसको करता है? अगर आपसे प्रश्न पूछे अंडमान निकोबार को अलग करता है तो बात सही है, लेकिन बेटा अगर पूछ ले कि लघु अंडमान और कार निकोबार को, किसको? लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। एक तो प्रश्न हो गया कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है, लेकिन अगर उसमें भी आपसे पूछ ले कि अंडमान निकोबार में किसको अलग करता है, तो लघु अंडमान और कार निकोबार, देखिए लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। ठीक है, तो निकोबार का स्टार्टिंग पॉइंट किस नाम से जाना जाता है? कार निकोबार। ठीक, समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ वॉट अ मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ये अंडमान निकोबार का एक मैप है। ठीक, मैं आपको इसको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसको प्रयास करता हूँ कि थोड़ा और बड़ा हो ये। चलिए एक एक बार देखते हैं इनको, देखते हैं उसके बाद मैं आपको और डिटेल में बताता चलूँगा ये सब कुछ। देखिए सबसे पहले मैंने आपको दिखाया, ऊपर देखो कोकोद्वीप दिख रहा है आपको? कोकोद्वीप, कोकोद्वीप किसका हिस्सा बेटा? म्यांमार का। और उसके बाद कोकोद्वीप से यहाँ देखिए अंडमान निकोबार का एकदम जूम वर्जन है, बिल्कुल बहुत बहुत बारीक चीज़ें जो आपको पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम में, वो सब कुछ है इसमें। सबसे ऊपर क्या बेटा? कोकोद्वीप। कोको चैनल इज़ अ पार्ट ऑफ म्यांमार। कहाँ का पार्ट है? म्यांमार का। कोको द्वीप जब ख़त्म होता है, यानी म्यांमार की सीमा जब ख़त्म होती है, उसके बाद बीच में जो पानी भरा हुआ है, और उसके बाद जब भारत वापस से शुरू होता है, उसका नाम क्या है? उस जगह का नाम क्या बेटा? उस जगह का नाम है अंडमान। क्या नाम है? अंडमान। क्या नाम है? अंडमान। ठीक है, याद रखिएगा अंडमान। और अंडमान और अंडमान और कोको द्वीप के बीच का जो चैनल है, इसे कहते हैं कोको जल संधि या कोको चैनल। कोको जल संधि या कोको चैनल। फिर यहाँ से शुरू क्या हो रहा है? ये अंडमान है। ये क्या बेटा? ये अंडमान शुरू हो रहा है। प्रश्न, सैंडल पीक किसका हिस्सा है? तो बेटा उत्तरी अंडमान का। किसका हिस्सा है? ये लिखा है ना सैंडल पीक, ये अंडमान का नॉर्थ हो गया, ये अंडमान का ख़त्म होने से पहले ये क्या हो गया बेटा? साउथ। क्लियर है? ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ। ये निकोबार का नॉर्थ हो गया और नीचे निकोबार का साउथ। ठीक है, हाँ नहीं बोलिए कुछ जल्दी से। समझ में आया आपको? ये अंडमान का नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया। तो सैंडल पीक कहाँ पड़ती है बेटा? अंडमान के एकदम नॉर्थ में, एकदम नॉर्थ में। सैंडल पीक क्या है, कितनी हाइट बेटा? अभी बताया 731 मीटर। 731 मीटर। और मैंने आपको बताया था कि अंडमान के पास सबसे ऊंची सैंडल है। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि अंडमान में कहाँ पर है, तो अंडमान के नॉर्थ में। अब यहीं देखो ये लिखा हुआ है नारकोंडम। कौन सा? नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप कहाँ पड़ता है बेटा? अंडमान के नॉर्थ में, अंडमान के नॉर्थ। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये है मध्य अंडमान। ये क्या है आपका? मध्य अंडमान। ये हिस्सा कहाँ है? माउंट मध्य अंडमान। और यहाँ पे पड़ती है माउंट दियो वैली। कौन सी? माउंट दियो वैली। और अगला पड़ता है बेटा बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप पड़ता है? बैरन द्वीप। ये याद रखिएगा, साउथ एशिया का प्रश्न है। साउथ एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन। प्रश्न ये है कि बैरन किसका हिस्सा है? तो अंडमान का। किसका हिस्सा है? अंडमान का। और आपसे पूछे कि अंडमान में भी कहाँ पे? तो मध्य अंडमान का। कहाँ बेटा? मध्य अंडमान का। याद रखिएगा ये प्रश्न, ये चीज़ें भूलना नहीं आपको। ठीक है, दिमाग में एकदम बिठा लीजिए। कहाँ पर बेटा बैरन द्वीप? तो आपको मध्य अंडमान का हिस्सा मिलेगा। और बैरन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट क्या है कि यह दक्षिण एशिया का
एकमात्र जीवित ज्वालामुखी है। उसके बाद आते हैं बेटा कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार कहाँ है बेटा? पोर्ट ब्लेयर। ये भी अंडमान में ही आती है। कहाँ आती है? अंडमान में। आप कह सकते हैं कि दक्षिणी अंडमान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? दक्षिणी, मतलब जस्ट 10 डिग्री चैनल के ऊपर मान लीजिए, तो क्या मिलेगी आपको? पोर्ट ब्लेयर, विच इज़ द कैपिटल ऑफ व्हाट? अंडमान एंड निकोबार, बट द पार्ट ऑफ अंडमान। किसका हिस्सा है? अंडमान का हिस्सा है। क्या क्या बताया मैंने अंडमान के बारे में? देखो, सैंडल पिक कहाँ है? नॉर्थ अंडमान में। माउंट डियोवेली कहाँ है? मध्य अंडमान में। बैरन द्वीप कहाँ है? मध्य अंडमान में। उसके बाद आप कहाँ आएंगे? दक्षिणी द्वीप। कुछ लोग बैरन द्वीप को साउथ अंडमान में भी कहते हैं, लेकिन देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, ठीक है? ये याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर कहाँ बेटा? 10 डिग्री चैनल के ऊपर, यहाँ पे पड़ती है पोर्ट ब्लेयर, विच इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, तो यहाँ आता है बेटा निकोबार के बाद, अंडमान और निकोबार में आता है कार निकोबार। तो देखो, ये पार्ट है, ये पॉइंट है लघु अंडमान का। ये क्या हो गया आपका? लघु अंडमान। ये क्या है? लघु अंडमान। उसके बाद पड़ता है 10 डिग्री चैनल। क्या पड़ता है? 10 डिग्री चैनल, और जो शुरू होता है उसे कहते हैं कार निकोबार। तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच पड़ता है 10 डिग्री चैनल। उसके बाद यहाँ पे देखिए सोम्ब्रियो चैनल पड़ता है, फिर उसके बाद लघु निकोबार पड़ता है, और उसके बाद माउंट थुलियर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, माउंट थुलियर इज द पार्ट ऑफ निकोबार, और माउंट सैंडल पीक किसका हिस्सा है? अंडमान का, और ये किसका हिस्सा है? निकोबार का। याद रखिएगा, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा तो याद रखना, हालत ख़राब होना तय है अगर आप इसको जूम करके पढ़ें, नहीं है। उसके बाद देखिए सबसे दक्षिणी भाग आता है बेटा, सबसे दक्षिणी भाग आता है यहाँ पर, इसे कहते हैं क्या? इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। लेकिन 2003 में जो सुनामी आई थी, 2003-04 में जो सुनामी आई थी, उस सुनामी में ये पॉइंट डूब गया है, ठीक है? ये सम्मर्ज हो गया, पानी में हो गया, लेकिन भारत की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। उसके बाद फिर पानी पड़ता है, पानी, और अगला भूभाग आता है या अगला देश आता है, उसका नाम है इंडोनेशिया। उसका कौन सा भाग? सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप? सुमात्रा द्वीप। तो इनके बीच का जो पानी है, जो जल राशि है, भारत के इंदिरा पॉइंट से लेकर के सुमात्रा द्वीप के बीच में जो पानी है, इसे कहते हैं बेटा कौन सा चैनल? इसे कहते हैं ग्रेट चैनल। क्या कहते हैं? ग्रेट चैनल। तो जाहिर सी बात है, पानी बहुत ज़्यादा है, तो चैनल स्ट्रेट, सबसे पहले स्ट्रेट, उसके बाद चैनल, उसके बाद ग्रेट चैनल। मैंने आपको बता दिया अंडमान निकोबार के बारे में, उसके बाद अंडमान निकोबार को भी हमने जूम करके पढ़ा, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, फिर नॉर्थ निकोबार, मिडिल निकोबार और साउथ निकोबार, ठीक है? एक जो हाईएस्ट पीक है वो अंडमान का हिस्सा है, कैपिटल भी अंडमान का हिस्सा है, निकोबार में है माउंट थुलियर। कहाँ बेटा? माउंट थुलियर। भारत का एकमात्र और एशिया का, दक्षिण एशिया का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी भी अंडमान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अंडमान का हिस्सा है, ठीक है? दिस इज व्हाट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एसोसिएटेड विद द अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। 300 हैं टोटल, और उसमें से 36 ही क्या है बेटा? आवासित हैं। टोटल संख्या कितनी है? 300 हैं और 36 क्या हैं? आवासित हैं। तो अंडमान निकोबार को शॉर्ट में लोगे तो अंडमान निकोबार अराकान योवा पर्वत का ही विस्तार माने जाते हैं, जो पानी में उभरते हैं, उभरने के बाद वापस से सम्मर्ज होते हैं, और जब निकलते हैं तो जाकर किससे जुड़ते हैं? सुमात्रा द्वीप से। किससे जुड़ते हैं? सुमात्रा से। तो जब म्यांमार से अंडमान अलग होता है तो उसे कहते हैं कोको चैनल। अंडमान से निकोबार अलग होता है या लघु अंडमान से कार निकोबार अलग होता है तो 10 डिग्री चैनल। फिर जहाँ से इंदिरा पॉइंट ख़त्म होता है या भारत ख़त्म होता है, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट से अगला जो द्वीप समूह आता है या भूभाग आता है उसे कहते हैं सुमात्रा, जो कोई पार्ट है किसका? इंडोनेशिया का। तो इसके बीच में जो पानी भरा उसे कहते हैं ग्रेट चैनल। क्या कहते हैं बेटा? ग्रेट चैनल। आपने देखा नॉर्थ अंडमान में क्या है, तो नॉर्थ अंडमान में ही कैपिटल है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। नॉर्थ अंडमान में ही क्या है, तो सबसे नॉर्थ में बेटा कौन सी पीक पड़ती है? सैंडल पीक। नॉर्थ अंडमान में क्या है? बैरन द्वीप, दक्षिण एशिया का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी।
कार निकोबार में या निकोबार में क्या बेटा, तो निकोबार में पाई जाती है माउंट थुलियर। क्या पाई जाती है? माउंट थुलियर। और निकोबार में ही पाया जाता है भारत का सबसे दक्षिणी कोना, उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 4 मिनट याद रखिएगा, जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं। तो ये अंडमान निकोबार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। कुल बेटा संख्या कितनी है द्वीपों की? 300, उसमें से 36 ही क्या है आवासित हैं, 36 ही रहते हैं। याद रखिएगा इसके लिए एक प्रशासक नियुक्त किया गया है, जहाँ पर जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा नहीं होती वहाँ पर लोकसभा की सीटें नहीं होती, या लोकसभा की सीटें भी हो लो लेकिन सीएम का पद नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा? अच्छा एक क्वेश्चन ला लीजिएगा, लिख लीजिएगा, देखिए क्वेश्चन, अंडमान निकोबार से सांसद कौन है? कोई है भी कि नहीं है? देखिएगा अंडमान निकोबार से सांसद कौन है, और जो है तो उनका नाम लिखना आपको, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। और अगला क्वेश्चन लिखिए, अंडमान निकोबार का प्रशासक कौन है? अंडमान निकोबार का प्रशासक कौन है? अब देखिए ध्यान से, अंडमान निकोबार में आप कभी जाए, कुछ विवाद हो जाए, किसी पर कोर्ट केस करना हो, तो किस हाई कोर्ट के अंतर्गत ये पूरा हिस्सा आता है? ये किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आएगा? कलकत्ता हाई कोर्ट। किसके अंतर्गत? कलकत्ता हाई कोर्ट। अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है ना, अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है ना, सुनो ध्यान सब लोग, इधर देखिए, अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है ना, मतलब ये संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक, आप याद रखो कि भारत में एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र ऐसा कौन सा है जिसका खुद का हाई कोर्ट है? अंडमान का कहाँ जाता है? कलकत्ता। अभी मैं आपको बताऊंगा, अंडमान निकोबार में कुछ भी विवाद होता तो कलकत्ता हाई कोर्ट में सुना जाएगा, लक्षद्वीप में कोई विवाद होगा तो त्रिवेंद्रम में जाएगा, लेकिन भारत का एकमात्र यूनियन टेरिटरी जिसका खुद का हाई कोर्ट है वो है दिल्ली। याद रखिएगा दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट है, जबकि वो क्या है? एक संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके इससे अलग हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके कोई कमेंट्स, कोई जानकारी, कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, रिवाइज करते रहिएगा।